हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, और इनमें जो दे रखा है 0.4 डिवाइड 2, यानी हमने 2.6 तक तो मल्टीप्लाई पढ़ा था, अब हम डिवाइड पढ़ रहे हैं। तो इनको डिवाइड किस तरीके से करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0.4 डिवाइड 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड की फॉर्म में जो दे रखा है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से। अब आप देखिए, पॉइंट लग रहा है और पीछे एक डिजिट है, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे? नीचे भी एक ज़ीरो आ जाएगा और वन पहले से होता है, तो ये हो गया 2 × 10, और ये पॉइंट हट गया। अगर यहाँ पर पीछे दो डिजिट होते तो यहाँ दो ज़ीरो लग जाते, लेकिन इस क्वेश्चन में एक डिजिट था तो एक ज़ीरो लगा दिया, और वन पहले से ही हम लिख सकते हैं वन को। तो अब आपके पास जो बचा है उसको लिख लेंगे 4/2 × 10। अब हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे या फिर इसकी कटिंग कर लो। 2 की टेबल से 4 कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, हमारे पास बच गया 2/10। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमने जो पढ़ा था पिछली बार कि कैसे पॉइंट हटाते हैं, अब इसमें आप देखोगे कि जैसे नीचे ज़ीरो है और वन है अगर, तो हम किस तरीके से पॉइंट को लगाएंगे। तो यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो यहाँ ऊपर हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, और ज़ीरो हम पॉइंट को शो करने के लिए लिखते हैं। अब वन तो हर एक डिजिट के नीचे वन होता ही है, जैसे इसके नीचे भी वन है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.35/5, पॉइंट हटा, दो डिजिट, दो दो ज़ीरो आ जाएंगे। अब हमारे पास बचा है 35/5 × 100, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 7/100, दो ज़ीरो है तो दो डिजिट छूट जाएंगे ऊपर, एक तो 7, दूसरा नहीं है तो ज़ीरो लिख लिया, ये लग गया पॉइंट, ये हमारा आंसर हुआ। इसको भी हम सॉल्व कर लेते, 2.48/4, पॉइंट हटा, दो ज़ीरो आ जाएंगे, 2.48/4 × 100। अब इसको भी हम 4 से पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, और 100 से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम डायरेक्टली पॉइंट लगा सकते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 62/100, अब दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट 65.4/6, 65.4 ये हो गया 6, पॉइंट हटा, 10 आ गया, इसको अब हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो कटिंग भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 6 × 1 = 6, ये है 6, 6 × 1 = 6, अब 6 तो कट गया है, 5 = 4 बच रहा है, अब दो डिजिट को अगर साथ लेंगे तो एक ज़ीरो उतारना पड़ेगा। 6 की टेबल में 54 कितने टाइम आता है, 9 टाइम आता है, तो ये लिख लिया हमने 9, 109/10, 0 हट जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, ये लग गया पॉइंट। आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है, 6/5/1/2/4, पॉइंट हट गया तो 10 आ गया, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, कटिंग भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, 4 × 4, अब 6 है तो 4 × 4, 2 बच गया, 2 हम इस 5 के पास रखेंगे, कितना बच गया, बन गया ये 25, अब 4 की टेबल में 25 तो नहीं आता लेकिन 24 आता है, कितने टाइम आता है, 6 टाइम आता है, ये रखा मैंने 6, अब ये तो 25 था, मतलब एक एक्स्ट्रा है, 1 इसके पास आ गया, वापस 4 से इसकी कटिंग करो, 4 × 2 = 8, 8 हो गया, अब ये 11 था तो 8 माइनस कर दो 11 में से, तो 9, 10, 11, 3 बचा, 3 इसके पास आ जाएगा, वापस 4 से कटिंग कर दो इसकी, कितने टाइम हो रहा है, 8 टाइम हो रहा है, तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 1, 6, 2, 8,
अपॉन 10, तो 162.8। इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली और फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके से 14.49, तो यहाँ पर पॉइंट हटा, दो जीरो आ जाएंगे नीचे, तो बच क्या गया हमारे पास 1449 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 100। अब 7 से पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर हम 100 जो है वो पॉइंट लगा देंगे उनसे। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे या फिर अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 207 अपॉन 100, दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा लेंगे, 0 और 7 को छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3.96 अपॉन 4, पॉइंट हटा 100 आ गया, तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे, 396 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, पहले हम 4 से इसकी कटिंग कर लेंगे, तो 4 से कटिंग करें तो कितना आ रहा है, 4 9 36 होता है, ये है 39, तो हम 36 इसमें से लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 6 के पास आ गया, तो 4 9 36, तो 99 अपॉन 100, इसको अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 9.0। सिमिलरली आगे वाला क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से करना है, 0.80 अपॉन 5, पॉइंट हटा 100 आ गया, ऊपर बचा हमारे पास 80 और नीचे हमारे पास है 100, तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड किया तो 16 आया, 16 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.16। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, फाइंड 4.8 डिवाइड 10, यानी इनमें भी हमें डिवाइड करना है, तो किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 4.8 पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए पॉइंट हटा, पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो एक जीरो लगाना है, यानी मैं जीरो यहीं पर लगा लेता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास 48 अपॉन 100। अब वापस 100 को हटाना है, यानी दो जीरो हटेंगे तो दो डिजिट छोड़कर हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला भी करेंगे हम, 52.5 अपॉन 10। अब डायरेक्टली अगर पॉइंट हटा के यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके 10 लिख सकते हैं, एक एक डिजिट है तो एक जीरो लग गया। इस तरीके से 525 10 10 100। अब वापस हम दो डिजिट ऊपर छोड़ देंगे 5.25। आगे वाला भी इसी तरीके से 0.7। अब मैं डायरेक्टली नीचे ही जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है, 10 तो ऑलरेडी है, पॉइंट हटा जीरो आ गया, 7 अपॉन 100। अब ऊपर हम क्या करेंगे, दो डिजिट छोड़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 है तो हम एक जीरो लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगा लेंगे, 33.1 अपॉन 10, पॉइंट हटा जीरो लग गया, 331 अपॉन 100, तो 3.31 हमारा आंसर हो जाएगा। 272.23 अपॉन 10, पॉइंट हटा दो जीरो लग जाएंगे, वापस हमें पॉइंट लगाना है अब, तो 272.23 अपॉन 1000। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट छोड़ देंगे, तो 123, तो 27.223 ये हमारा आंसर होगा। आगे वाला भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, 0.56 अपॉन 10, पॉइंट हटा दो जीरो और लग गए, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 65 और 0, फिर आ जाएगा पॉइंट। आगे वाला भी ऐसे ही कर लेंगे हम, 3.97 अपॉन 10, पॉइंट हटा दो जीरो लग गए, वापस हमको 3 डिजिट छोड़कर क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, तो ये क्वेश्चन सेकंड है।